हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है MBTI यानी कि मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जिसको कि हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, और डिस्क्रिप्शन में आपको PPT नोट्स एंड थ्योरीज के लिंक सारे मिल जाएंगे, आपको जिसकी ज़रूरत हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार सबसे पहले जानते हैं कि जो मायर ब्रिग टाइप इंडिकेटर है MBTI मतलब क्या है इसका, एंड किसने बनाया, किसने टर्म किया, एंड पूरा प्रोसेस क्या है यार, अल्टीमेटली मतलब क्या है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सको। एंड जैसा मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको PPT थ्योरी लिंक्स नोट्स ऐसा सब मिल जाएगा, जिसकी ज़रूरत हो आप उसको जा करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो समझते हैं कि है क्या। फोटो में क्या दिख रहा है, सबसे पहले द 16 पर्सनैलिटी टाइप, बाकी सब नहीं दिख रहा है, सबसे पहले हेडिंग में यही दिख रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेसिक टर्म में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है कि यार जो भी बंदे होते हैं सबके क्या है, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। मेरा अलग है, आपका अलग है, थर्ड पर्सन अलग है, फिफ्थ पर्सन, एट पर्सन, नाइन्थ पर्सन, जितने लोग हैं दुनिया में सबके अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। सो हाउ कैन यू डिफाइन अ सिंगल पर्सन विथ अ सिंगुलर आइडेंटिटी, विद अ सिंगुलर पर्सनैलिटी, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अलग अलग 16 पर्सनैलिटी टाइप्स है, ठीक है। तो जो MBTI का थ्योरी है यही कहता है कि यार अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग पर्सनैलिटीज है लोगों के, जो कि उनको डिफाइन करता है, उनके प्रोफेशन को, एज अ कंपनी आपको मदद करेगा कि आप कौन से बंदे ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से बंदे ज़्यादा स्किलफुल हैं, आप वो डिसाइड कर सको, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण मिल रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंस मिला है इतना, ठीक है। सॉरी अबाउट दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। अब अल्टीमेटली पॉइंट इसकी कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट, किसने डेवलप किया, किसने कॉइन किया। तो यार जो MBTI है मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर आया कहाँ से है, तो यार इसको डेवलप करने वाले हैं कैथरीन कुक ब्रिग्स एंड इसाबेल ब्रिग्स मायर, ठीक है। नाम याद करने में यार मेरे को बहुत मुश्किल हुई है, आपको भी मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है याद कर लेना, ठीक है। तो दोनों लोग हैं, माँ बेटी हैं एक्चुअली, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि माँ बेटी ने ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली दिया है। अब माँ बेटी है या बाप बेटे हैं तो पता नहीं, बाप बेटी है, लेकिन ए बेटी तो फीमेल है यानी कि है। अब इसाबेल मैं बोल रहा हूँ, कैथरीन कुक ब्रिग्स ज़्यादा से चांसेस है माँ का नाम है यार, क्योंकि जितना मेरे को पता चला, मे भी आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखने को पड़ेगा, लेकिन मैं जैसे ऐसे डिस्कस कर रहा था, ठीक है। अब पॉइंट इज कि इन दोनों ने डेवलप किया। अब हिस्ट्री की अगर बात करोगे तो 1917 से यार ये लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, लेकिन अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट निकल के कब आया, फाइनलाइज कब हुआ, जब कार्ल जंग्स की आपको एक बुक आई साइकोलॉजी ट्रेड्स, तब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब उन्होंने ये चीज़ को जा करके फाइनलाइज किया है, ठीक है। तो अच्छा खासा पढ़ाई समय गया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज करने के लिए। अब इसको समझते हैं अल्टीमेटली कि यार कॉन्सेप्ट बताना क्या चाह रहा है ये 16 पर्सनालिटी टाइप से। पहले ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता है मेन चार पर्सनालिटी ब्रॉड पर्सनालिटी कैटेगरी जो कि लोगों की होती है, ठीक है। अगर आप इसको समझ लोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट लगभग समझ में आ जाएगा आपको, और एग्जाम में भी अगर आप थ्योरी पर्पस से लिखना चाह रहे हो, आपको मेन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है, थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करना है, बाकी आप डन रहोगे यार, क्योंकि आप इतना लिख चुके होगे अपने, अगर आप एक्सप्लेन करना अच्छे से जानते हो तो आप अच्छा खासा एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। ये बाय द वे आपको बता दूं, IDOMA से लिया गया, अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ठीक है, आपको थ्योरी पर्पस के लिए आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब समझते हैं कि है क्या, मेन चार ब्रॉड कैटेगरीज है, पहला इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, दूसरा थिंकिंग या फीलिंग, तीसरा इंट्यूशन या सेंसिंग, एंड लास्ट है परसीविंग या जजिंग। अब मैं बीच में या बोल रहा हूँ, या यानी कि और, यानी कि दोनों में से कोई एक। ब्रॉड कैटेगरीज क्या बता रही है यार, कि बंदा जो है वो दोनों में से कोई एक पर्सनालिटी कैटेगरी को लेके फॉलो करेगा, दोनों नहीं रख सकता है ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। यानी कि वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो वो इंट्रोवर्ट है या तो एक्सट्रोवर्ट है, या तो वो थिंकिंग पे जाता है या तो फीलिंग पे जाता है। अब मतलब भी समझ लेते हैं, ठीक है, एक एक करके, जिसको कि आपको थ्योरी में अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप PPT में असाइनमेंट्स में सब एक्सप्लेन करो यार, बहुत बढ़िया, एकदम माशाल्लाह लोग फेमस हो जाएंगे, आपको एकदम तारीफ करेंगे, ठीक है। आप समझते हैं बहुत में इसका आपको मतलब पता भी होगा, ठीक है। आप बोलो यार ये सर ये क्या बता रही हो, तो हमें भी पता है, तो समझते हैं मेन पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसान से टॉपिक पर है। तो अब इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट दोनों में से कोई एक बंदा होगा, ठीक है, बंदे का जो पर्सनालिटी हो या तो इंट्रोवर्ट होगा या तो एक्सट्रोवर्ट होगा, मतलब क्या है, यानी या तो इंट्रोवर्ट होगा या तो वो क्वाइट होगा या तो शाई होगा नेचर में, या तो वो एक्सट्रोवर्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा खुला दिल खुश इंसान, बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला, बात नहीं, ठीक है, किसी से भी बात कर ले, नहीं डरता किसी से भी, तो एक्सट्रोवर्ट इंसान या इंट्रोवर्ट इंसान दोनों में से कोई एक पर्सनालिटी होगा बंदे का, ठीक है। सेकंड आता है थिंकिंग या फीलिंग, यानी कि या तो वो थिंकिंग पे जाएगा या तो फीलिंग की सुनेगा, ये मतलब क्या है, थिंकिंग यानी कि या तो वो अपनी सोच पे काम करेगा कि यार जो भी उसने पढ़ा है आज तक, जो भी उसने देखा है वो उस पे जाएगा, ठीक है, मे बी ये एक बंदे ने चोरी की है तो उसका जो सेंस है, जो भी उसका थिंकिंग है एक्चुअली, वो क्या कहेगा दिमाग, कि भाई देखो चोरी की है, गलत है,
सजा होनी चाहिए, लेकिन फीलिंग वाला बंदा जो है वो क्या कहेगा, वो इमोशनली अटैच्ड होता है, तो वो इमोशन के साथ सोचेगा कि नहीं यार उसकी मजबूरी होगी, कुछ घर में हो सके, कोई मजबूर होगा, माँ बाप होंगे बूढ़े, मे बी बिन भाई बेटी बहन होगी, ठीक है कुछ भी हो सकता है, तो वो फीलिंग से अपना इमोशनली सोचेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, इमोशनली सोचेगा। तो मे बी आप हो सकते हो कोई भी एक कैटेगरी के, दूसरा कोई और कैटेगरी का होगा, तो अलग अलग है लोगों के पर्सनालिटी। थर्ड आता है इंट्यूशन एंड सेंसिंग, एंड मैं आपको बता दूंगी आप इनके कोड लिखे हुए जो कि यहाँ पे आपको कोड दिख रहे होंगे, तो अल्टीमेटली यही है वो। इंट्रोवर्ट के लिए आई, एक्सट्रोवर्ट के लिए ई, थिंकिंग के लिए टी, फीलिंग के लिए एफ, इंट्यूशन के लिए एन, सेंसिंग के लिए एस, परसीविंग के लिए पी और जजिंग के लिए जे। ठीक है मतलब क्या बैठ रहा है दोबारा देख लेते हैं। तो इंट्यूशन और सेंसिंग, इंट्यूशन यानी कि जो इंट्यूशन पे जाता है, अपनी इंट्यूटिव फीलिंग पे जाता है, यानी अपनी गट फीलिंग पर जाता है कि नहीं यार मेरा मन कह रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये होना चाहिए। अब होता है ना जय माता दी लेट्स रॉक वाले आदमी ए बी सी डी में बी पे लगा देते हैं क्योंकि अपनी गट फीलिंग कह रही होती है, ठीक है। तो वो होता है इंट्यूशन कि आदमी जो भी उसकी गट फीलिंग कह रही है यार यही होना चाहिए, एंड दिस इज नॉट फॉर क्वेश्चन आंसर राउंड, दिस इज लाइक कि आप स्टार्टअप कर रहे हो एज एन स्टार्टअप पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं यार चलो ये चीज़ को ट्राई करते हैं, ठीक है अपने स्टार्टअप में ये नई चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं, ये आपका इंट्यूशन जो पर्सनैलिटी होता है वो कहता है, ये इंट्यूटिव फीलिंग वाला कहता है कि नहीं यार चलो इसको ट्राई करना चाहिए, मेरी गट फीलिंग कह रही है। सेंसिंग आदमी, सेंसिबल आदमी क्या कहेगा कि नहीं यार देखो पास्ट में ऐसा हुआ है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, ये रिकॉर्ड दिखा, सही गलत कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक सही है कोई दूसरा गलत है, कोई भी सही गलत हो सकता है, ये एक पर्सनालिटी का टाइप है कि यार आदमी किस पे जा रहा है, अपनी गट फीलिंग पे जा रहा है या अपने दिमाग पे जा रहा है, ठीक है ये है अलग चीज़। लास्ट है परसीविंग या जजिंग, परसीविंग या जजिंग यानी कि एक आदमी जो कि कुछ परसीव करता है पहले, ठीक है आदमी परसीव करके चलता है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा आदमी का पर्सनैलिटी क्या होता है, जजिंग नेचर, जजिंग यानी कि जजमेंटल टाइप से नहीं, जजिंग यानी कि जज करके चलना पहले से कि भाई देखो ऐसा होगा तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे, वैसा होगा तो वैसा करेंगे, वो जज करता है कि भाई देखो ऐसा हुआ था पहले तो फिर ऐसा हो सकता है और ऐसा हम लोग को करना चाहिए। परसीविंग यानी कि वो परसीव करके चल रहा है, वो मान के चल रहा है कि देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप से मेन फोर ब्रॉड कैटेगरीज कौन से हैं, यही है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, थिंकिंग और फीलिंग, इंट्यूशन और सेंसिंग, परसीविंग और जजिंग, ये है मेन फोर ब्रॉड कैटेगरीज। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यार ये जो 16 कैटेगरीज हैं, ये जो हम लोग ऊपर देख रहे थे, ये आप आसानी से समझा सकते हो किसी को भी, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये क्या है, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं कुछ नहीं, इन्हीं के बस एक ब्रॉड थोड़े से और इनर में हो गया, ठीक है। अब उन 8 में से टोटल आज हम लोग ने देखा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट थिंकिंग फीलिंग सेंसिबल परसीविंग जजिंग, एक और छोड़ गया, ठीक है। तो वो 8 है, 8ों के अलग अलग कोड हैं, उन 8 कोड्स में से 16 पर्सनालिटी टाइप्स निकल के आए। अब अभी आप ये नहीं बोलना कि सर 8 थे तो 8 में से 16 कैसे निकल गए, 8 × 8 = 64 निकलने चाहिए थे, तो यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो 16 पर्सनालिटी टाइप्स उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकल के आए कि अगर अलग अलग लोग जो होंगे वो अलग अलग क्या कैसे काम कर सकते हैं। अगर एज अ बिजनेस अगर आपको मेंटर चाहिए तो आप ENFJ INFJ के कैटेगरी में ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एक आर्टिस्टिक फीचर वाले लोग चाहिए तो आप ESFP, ISFP, ESTP के पर्सनैलिटी वाले बंदों को देख सकते हो। अब अल्टीमेटली ये थ्योरी कहता है, ज़रूरी नहीं है, ये इसका लिमिटेशन भी है, ठीक है आगे हम लोग जानेंगे। तो ये 16 अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स है। अब यार याद तो मेरे को भी नहीं हो सकते, आपको भी नहीं हो सकते, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, आपको अल्टीमेटली एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन आपको मेन वो फोर ब्रॉड कैटेगरीज पता होना चाहिए है क्या। मायरब्रेक MBTI मायरब्रेक टाइप इंडिकेटर का थ्योरी किस चीज़ के ऊपर है, ये अगर आप पता कर लोगे तो यार पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर है, सामने वाले को भी क्लियर, आप ही को करना है, चाहे वो आप लिख के करो चाहे समझा के करो, ठीक है। तो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स अल्टीमेटली क्या करें, जैसे कि एक प्रमोटर अगर आपको चाहिए तो उसका नेचर क्या होना चाहिए, ESTP यानी कि E फॉर एक्सट्रोवर्ट, S फॉर सेंसिबल यानी कि सेंसिंग वाला, T फॉर थिंकिंग एंड P फॉर परसीविंग, ठीक है। तो अगर आप ये पर्सनैलिटी के बंदा लेके आओगे तो वो प्रमोटर की तरह काम करेगा, कैसे करेगा एक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सारे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, ठीक है। ESTP यानी कि जैसे मैंने बताया एक्सट्रोवर्ट यानी कि बातूनी है, ज़्यादा लोगों से शर्माता नहीं बात करने में, जो भी आप अनजान आदमी के सामने भी खड़ा कर दो तो वो बात कर लेगा। ऐसे यानी कि सेंसिंग पे जाता है, अपने दिमाग से काम करता है कि वो फीलिंग वाला, मैं अपना क्या कहते हैं आपको, दूसरा जो आपको है यार मैं बता दे रहा हूँ, इधर से उधर हो जाता है कम से कम। इंट्यूशन पे नहीं जाता है, वो ये नहीं जाता है कि यार मेरा गट फीलिंग कह रहा है तो ऐसा वैसा, वो अपने सेंस पे जाता है कि दिमाग क्या कह रहा है उस पे जाएगा, ठीक है। ESTP टी यानी कि थिंकिंग, फीलिंग पे नहीं जाएगा, वो इमोशनल बंदा नहीं है, थिंकिंग में जाता है, जो दिमाग कहेगा वो, जो उसको देखा हुआ है, जो उसने समझा हुआ है वो चीज़। एंड FP यानी कि परसीविंग, तो वो मान कर चलता है कि भाई ऐसा से वो तो वैसा वो,
अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक सेल्स जॉब रोल के लिए बंदा चाहिए तो आपको ऐसा पर्सनैलिटी बंदा चाहिए जो कि आपको एज अ प्रमोटर की तरह काम करे, ज़्यादा बोले, ज़्यादा लोगों से बात करे, ठीक है, अपना ज़्यादा गट फीलिंग पे नहीं जाए, थिंकिंग पे जाए, दिमाग पे जाए, सेंसिबल हो, ठीक है, परसीव करके चले कि भाई मेरा को ये बंदे को बात करके इससे सेल्स कन्वर्ट होगा। वो ये नहीं सोचे कि भाई देखो 100 से बात करते हैं तो एक कन्वर्ट होता है तो बाकी 99 से क्यों बात करें, तो ऐसा तो हो गई सेल्स, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए प्रमोटर के लिए आपको ऐसे पर्सनैलिटी का चाहिए बंदा। तो अल्टीमेटली क्या यार, यही चीज़ है, ये पूरे सोलर पर्सनैलिटी टाइप्स डिफरेंट, आपको अल्टीमेटली यही चीज़ है जो कि आपको MBTI का पूरा थ्योरी बताता है, ठीक है। अब अल्टीमेटली आपको क्या, अब इसमें क्या और निकल के आता है, आप क्या पढ़ सकते हो, तो आपको इसका लिमिटेशंस, इसका क्या यूजेज है, ये आप देख सकते हो। अब लिमिटेशन क्या है भाई, अब है तो अल्टीमेटली थ्योरी, प्रैक्टिकली सारा चीज़ पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले यही लिमिटेशन है इसका। दूसरा क्या लिमिटेशन है भाई, दूसरा ये है कि थ्योरी क्या बताता है कि या तो इंट्रोवर्ट होगा या तो एक्सट्रोवर्ट होगा, ऐसा नहीं है भाई, बंदे बीच के भी हो जाते हैं, बीच के यानी कि मे बी मेरे से अभी आप बात करने आ रहे हो तो मैं एक एक्सट्रोवर्ट की तरह बात करूंगा, ठीक है। आपने कहा सर आप मे बी फिजिकली आ गए मिलने के लिए, कभी आपने कहा सर ये कॉन्सेप्ट नहीं बढ़िया नहीं समझा, तो मैं भी समझाऊंगा, हाँ भी देखो है ऐसा है कि वैसा है तो वैसा है तो वैसा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अभी मैं एक्स्ट्रोवर्ट बना हुआ हूँ। एंड अगर आप कभी मान के चलो मेरे से आप मेट्रो में मिलने आ जाओगे और मैं बात नहीं करने के मूड में, तो मैं इंट्रोवर्ट रहूँगा, मैं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है अभी बात करने, मैं एज एन इंट्रोवर्ट काम करूँगा, आई विल बी शाई, ठीक है, मैं चुप रहूँगा उस समय, मेरे को नहीं बात करनी, मैं इंट्रोवर्ट की तरह काम करूँगा, तो मैं क्या हूँ, मैं बीच का आदमी हूँ अभी, ठीक है, मैं कभी इंट्रोवर्ट रहता हूँ कभी एक्स्ट्रोवर्ट रहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो ये थ्योरी के बेसिस पर काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि काम करे, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसे ही अगर इसके यूजेस की बात करें तो यार बहुत सारी कंपनीज ने इसको यूज़ किया, चाहे वो कोक हो, चाहे वो जी जनरल इलेक्ट्रिक हो, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ने इसको यूज़ भी किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल रूप में क्या है, एज अ बिजनेस ये पता चलता है कि आपको कैसे लोग देखने चाहिए ताकि आप बिजनेस से ज़्यादा फायदा उठा सको, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली दिस इज नॉट गुड, आप किसी को भी जॉब देते समय आप ये नहीं देखोगे भाई कि सामने वाले का पर्सनैलिटी ऐसा है तो चलो इसको जॉब पर रख लेते हैं, और पर्सनैलिटी नहीं मैच कर रहा तो उसको जॉब पर नहीं रखेंगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। आप अगर ऐसा करोगे तो यार बंदा दिखावटी प्रोड्यूस करेगा, वो दिखाएगा कि वो एक्स्ट्रोवर्ट है, अल्टीमेटली है तो इंट्रोवर्ट, जब वो जॉब पर रखा गया तो वो किसी से सेल्स के लिए बात ही नहीं करेगा, अल्टीमेटली क्या यार बेकार है। तो इसलिए इसका यूजेस भी है और लिमिटेशंस भी है बहुत सारे, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो थ्योरी चलती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलती है, काम करती है, ठीक है। तो बस यही था यार आज के टॉपिक में, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार लाइक शेयर बिल्कुल करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक्स नीचे है, आकर के मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।